पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत। गुरबाणी दे इह वाक इंसानी जिंदगी च चुगिरदे दी अहमियत नूं समझाउंदे हन, पर तराजदी है कि विकास दी अन्नी दौड़ ने ना पाणी छड्या है, ना साफ हवा ते ना ही धरती। चुगिरदे नूं सांभण दे उपराले तहत श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वल्लों जारी मुहिम तहत श्री दरबार साहब श्री मुक्तसर विच पौधे लगाउण दी आरंभी मुहिम नूं भरवां हुंगारा मिलिया है। वातावरण दी शुद्धता नूं लैके श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वल्लों कीते जा रहे उपरालिआं तहत श्री दरबार साहब श्री मुक्तसर साहब दी परिक्रमा विच पौधे लगाउण दी शुरुआत श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह, बाबा सेवा सिंह खंडूर साहब, रजिंदर सिंह मेहता सीनियर मीत प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, चीफ सकत्तर रूप सिंह, हलका विधायक कंवरजीत सिंह रोजी बरकंदी ने कीती। इस तो पहला संबोधन करदिया सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि वातावरण नाल सिख धर्म का डूंगा संबंध है। उन्होंने कहा कि अज सानू सारिया ही वातावरण की शुद्धता लिए उपराले करने चाहिए हैं। उन्होंने दसिया कि किस नदी नाल सिखा का किस तरह संबंध ते प्रेम है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन ने यह साबित कर दिता है कि वातावरण में विगाड़ लई सब तो वध जिम्मेवारी मनुख की ही है। परमेश्वर का वो आसरा लेके बूटे लाने की सेवा का आगाज करना है, जिहड़ा समय की बहुत बड़ी जरूरत भी है, बहुत बड़ी लोड़ भी है। पिछले दो तीन महीनों तो लॉकडाउन ने यह साबित कर दिता है कि जिहड़ा असी वातावरण के विच विगाड़ देख रहे हैं उहदे लई मनुख ही जिम्मेवार है, चाहे वह हवा के विच विगाड़ है, चाहे वह पानी के विच विगाड़ है, ते चाहे वह साडे खाण पीण के विच विगाड़ है, इहदे लई मनुख ही जिम्मेवार है। क्योंकि हुण नदियां का पानी शुद्ध हो गया, हवा शुद्ध हो गई है, इस लॉकडाउन के कारण मनुखी गतिविधियां रुकने के कारण जी ये गल साबित करती है कि मनुखी ऐसा जीव है जिन्हें कुदरत के अनमोल इन्हों हीर चाहे वह पानी है चाहे हवा है बदला दिता। कुछ दिन पहला मेरी एक हिंदू संत के नाल फोन पर गलबात हुई, मैंने कहा कि ताड़ी तो नदियों के आस्था है, जो तो नदियां गदलियां कीतिया जा नदियों का पानी कड़ा है वो पैल्यूट किया जाता है, तुहानू तां आवाज उठानी चाहिए है कि साडी आस्था दे नाल खिलवाड़ हो रहा है। सिख भी नदियां नूं प्यार करता है, नालियां नूं प्यार करता है, जिन्ने भी कुदरत दे सोने है पानी दे सिख सारियां नूं प्यार करता है, पर कुछ नदियां दे नाल साडा खास लगाव है, खास स्नेह है। गंगा नाल असीं इस करके स्नेह करते हैं क्योंकि इहदे किनारे के उत्ते श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अपना बालपन बतीत किया। सतलुज नूं असीं इस करके प्यार करते हैं क्योंकि इहदे कंढे के उत्ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अपने बचपन का बहुत अरसा बतीत किया। यमुना नूं असीं इस करके प्यार करते हैं क्योंकि पौटा साहब की धरती से श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने इहदे कंढे के उत्ते जवानी का कुछ समा बतीत किया। ब्यास को असं इस करके प्यार करते हैं क्योंकि ये कंढे के उत्ते श्री गुरु अमरदास जी महाराज सेवा के सिमरण का उपदेश देते रहे। बेई को असं इस करके प्यार करते हैं क्योंकि श्री गुरु नानक देव जी महाराज नाल इहदा रिश्ता जिहड़ा है बड़ा गूढ़ा तो बड़ा गहरा। चाहते असं इवें कि विश्व के जिन्हें भी पानी के सोने हैं वो सारे के सारे साफ सुथरे स्वच्छ रहन, ये वो सतगुरु साहिबान का उपदेश है। मैं खुशी है इस गल की कि मेरी कौम के दो ऐसे महान पुरख वातावरण संबंधी बहुत चेतन के लोगों को चेतन कर रहे हैं, बाबा सेवा सिंह जी खडूर साहब, संत बाबा बलबीर सिंह जी सिचेवाल।
समुची सिख कौम के बहुत बड़े दो महापुरुख माण है। श्री मुक्तसर साहब की परिक्रमा काफ़ी लंबी चौड़ी है, आप देखते हैं गर्मी का जो मौसम आता है पत्थर दब जाता है, अखा च लिया ने जो आप पत्थर वाल देखते हैं, वक्त की लौड़ सी, समय की लौड़ सी कि इस खिदराणी की ढाब जी श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने मुक्ति का सर बनाया, ये आले दुआले की परिक्रमा को हरा भरा किया जाए। और अज आप शुरुआत कर जा रहे हैं, जिन्हिया भी हस्तियां बैठिया ने महापुरख बैठे ने, मैं सारे का शुक्रिया अदा करना है। और खास तौर पर संत बाबा सेवा सिंह जी जो शुरुआत कर रहे हैं, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चीफ सैकटरी सीनियर मीत प्रधान साहब पहुंचे ने, मैं सारे धन्यवाद करता हूँ। शब्द प्रवान करने वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरू जी। जिक्रे खास है कि लॉकडाउन के दरम्यान जो सब घर च बंद ने, कारखाने फैक्ट्रियां बंद ने, सड़कां ते सुनसान है, तो वातावरण साफ सुथरा हो चुका है। इस तो ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंसान वालों जारी विकास ने चुगिरदे नूं की नुकसान पहुंचाया है। मौजूदा समय विकास की अन्नी दौड़ ने मनुख नूं चुगिरदे तो बहुत दूर कर दिता है। सिख धर्म च हवा नूं गुरु का दर्जा हासिल है, पानी नूं पिता दा, धरती नूं माता दा, पर अफसोस मनुख ने अपने हाथी यह सब बर्बाद कर लए हैं। एस जी पी सी की यह कोशिश ए उदम काबले तारीफ है। चुगिरदे नूं हरा भरा रखण की यह मुहिम होरां लई वी प्रेरणादायक साबित होगी। सिख न्यूज एक्सप्रैस लई कुलदीप सिंह मुक्तसर साहब। साडे यूट्यूब चैनल नूं सबसक्राइब करो।